टाटा हाई टेंशन केबल के संपर्क में आने से झगड़े चाल में हुई थी दुर्घटना। अब की जा रही है ऊंचाई बढ़ाने वाले मकानों पर टाटा पावर द्वारा कार्रवाई। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। दो दिन पहले अमृतनगर से बिल्कुल करीब के दादी कॉलोनी परिसर की झगड़े चौल में तल अधिक एक मंजिला के मकानों में दुर्घटना घटी। टाटा हाई टेंशन केबल के संपर्क में आने के कारण दो मकानों में आग लगी, जिसमें एक परिवार झुलस गया, पति पत्नी और दो बच्चे। अब इस कार्रवाई को लेकर जहां एक तरफ स्थानीय निवासियों का कहना है कि 7 फीट ऊपर का टाटा हाई टेंशन का केबल अचानक नीचे आ गया है, अब तो ये और ज्यादा नीचे आ गया है, मगर इसी कारण के चलते टाटा पावर कंपनी द्वारा यहां पर जिन जिन मकानों ने अपनी ऊंचाई बढ़ा ली थी उन पर 23 तारीख की रात से जो है कार्रवाई शुरू की गई है। अब इन मकानों की ऊंचाई कम करने के लिए तोड़ू कार्रवाई की जा रही है। रात से लेकर सुबह दिन तक के तमाम वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर टाटा पावर द्वारा ऊंचाई बढ़ाए गए मकानों पर तोड़ू कार्रवाई की जा रही है। पीछे थोड़ा थोड़ा कर खींचने का कौन कौन ऊपर है ना? ओ बस गिरा दे आपन तिथे देता आपन तिथे देता बाजू हट जाओ संजीव थोड़ा लंबा रहने का नाही हे पण टाकून झालंय हा दुसरं आहे ना उद्या परत मीडियाला बोलायला लागेल हे हातोडी इसको खींचलो ना इधर अभी कट हो गया ना खींचलो देख हिलता क्या आले आ जाएगा आ जाएगा खींच खींच ए भाई दो आदमी खींचना संजीत आ जाएगा अरे इसे थोड़ा मार भाई इसे यार अगला मार दो अगर नीचे मार दो खींच 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 लगा जोर लगा तीनों मिलकर साथ में एक साथ आना उधर सिंगल है के थोड़ा इधर उधर दबा दे पीछे मत डाल आगे डाल संजीव को कॉर्नर तोड़ दे जरा मांग दे तो बीच में तोड़ दे अरे संजीव इन्हें तोड़ लेना फिर वहां बीच में तोड़े मत तोड़ ए वो उल्टा से थोड़ा गन मार ना गन मार ए वो उल्टा वो अभी अपना तमाम नगर सब जगह तो बना हुआ है।